मंबरम मिनी स्टेडियम में आज एक जबरदस्त मैच का आगाज होगा। अब चाहे आंधी आए या तूफान या कोई भी बाधा आ जाए, ये टीम हार नहीं मानेगी। टी टाइम पेरिंथिल आ चुकी है। दूसरी ओर है सुपर स्टूडियो मलप्पुरम टीम, इसे स्पॉन्सर किया है मंगड़ा के खून थोड़न मीट स्टॉल ने। सभी डाई हार्ड फुटबॉल फैंस का आज के इस मैच में तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। मैदान पर चौकन्नी होकर अपनी नजर गड़ाए हुए, अपनी सटीक तैरंदाजी से गेम को प्लान कर बाएं से वार करते हुए, अपनी धुआंधार बाजियों से अगली टीम को टक्कर देने के लिए यहां आए हैं। सुपर बॉयज मलप्पुरम संग पेश करते हैं प्री सीजन फुटबॉल टूर्नामेंट। टी टाइम पेरिंथिल और सुपर स्टूडियो मलप्पुरम के बीच आज हम कड़ा मुकाबला देखने जा रहे हैं। हमारे साथ आज इंडिया के उम्दा प्लेयर्स की फुटबॉल टीम है और दर्शकों का जोश भी। स्टेडियम के गर्मा गर्म माहौल को देखकर लगता है कि जैसे बिरयानी बन रही हो। यहाँ मौजूद 5000 लोग पूरे जोश के साथ गोल गोल चिल्लाने के लिए तैयार हैं। अपना दिल थाम कर बैठिए दोस्तों, इस तूफानी मैच को शुरू होने में बस कुछ ही मिनट बाकी है। मलप्पुरम टीम जो हर एक टीम के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और जिनके पास अरे यार सांड्रा, तुम सीधे उससे पूछ के नहीं लेती वो कहाँ था? इसमें आखिर इतना सोचने वाली बात क्या है, सीधे पूछ लो ना उससे भाई। हाँ, एक गिलास पानी देना मुझे। माँ का देखो, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, अगर तुम बात कर लेती तो ये सब होता ही नहीं। तुम मुझसे बात करोगे या फिर मैं करूँ? सौबिन से कहो कि कल कॉफी शॉप पर आ जाए, ठीक है? काम हो गया बेटा? कहाँ काम हो गया, कुछ नहीं हुआ। बस लैंड लीज के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सही हैं और कुछ नहीं। अब क्योंकि हमारी वर्कशॉप रजिस्टर्ड नहीं है इसलिए थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं। रजिस्ट्रेशन करना होगा, वो लोग जगह का मुआयना करेंगे और आगे के जो भी प्रोसेस होगी वो उसी के बाद होगी। लोन अमाउंट कितना है? 35 लाख। 35 लाख रुपए? बाप रे, ये घाटे का सौदा है। ऐसी जब तुमने प्लॉट गिरवी रखकर सर्विस्टेशन की बात की थी, लगा था मामूली कार वॉशिंग सेंटर खोलोगे, उसके लिए इतना पैसा क्यों चाहिए? देखो सब मुझ पर छोड़ दो, मुझे पता है क्या करना है। तुम्हारी सभी परेशानियों का हल है मेरे पास, बाद में कॉल करती हूँ। ये व्हीकल वॉशिंग सर्विस है डैड, चीजें बदल चुकी हैं। वॉशिंग के लिए मशीन इस्तेमाल होती है। सपोर्ट के बिना ऐसा बिजनेस नहीं करते, हमारी औकात नहीं और तुम लोन के लिए बैंक चले गए। बैंक के पास जाना पड़ा क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, पैसा बनाने के लिए पैसा खर्चा करना पड़ता है। प्लॉट और घर बेच कर भी हम लोन का अमाउंट नहीं चुका पाएंगे, ये बात जानते हो ना? पापा, क्या है ये? मुनीर, अब बहुत हुआ, बस कर। वो समझदार है, अपने फैसले वो खुद ले सकता है। मैं मस्जिद जा रहा हूँ। क्या यार, समझ में नहीं आ रहा मेरा क्या होगा। अरे किस्मत भाई, टेंशन मत लो, तुम्हें पता है ना पापा हमेशा ऐसा करते हैं, तो बुरा क्या मानना, जाने दो ना। भाई एक बात कहूँ, सर्विस स्टेशन को मेरा नाम दोगे प्लीज? अच्छा मैडम, बग बग कार सर्विस है? इससे घटिया नाम और किसी कार सर्विस का हो ही नहीं सकता। कार सर्विस नहीं, भंगार की दुकान लगेगी। वैसे एक और नाम है मेरे पास, लोलेंस कार पैलेस। लोग सोचेंगे क्या बढ़िया जगह है, हम यही नाम रखेंगे, ठीक है? चल निकले यहाँ से। अच्छा, तुम्हारी टूर्नामेंट कब से है? परसों है। हाँ। एक बात समझ ले, वहाँ आकर बकबक करके गेम खराब करने की जरूरत नहीं है, और अगर तूने ऐसा किया तो मैं तुझे जा रही लोलन। अरे तू जा। आज तेरा सैया पक्का आएगा ना? आज मैड्रिड वर्सेस सिटी का मैच मुझे मिस नहीं करना। मैं आज इतनी परेशान हूँ कि किसी भी वक्त रो सकती हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? सोबिन के यहाँ आते ही सबसे पहले उससे पूछना मेहरू के साथ वो घूम रहा था या नहीं। अगर वो मना करे तो कहना कि इसने सब देखा था। देखते हैं वो कैसे रिएक्ट करता है। अगर वो घूमने ही निकला था तो बताने में क्या दिक्कत थी, तुम्हें बताकर भी जा सकता था। आज देख ही लेते हैं वो क्या कहता है, हमसे बच नहीं पाएगा वो। और एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर उसे बात करते हुए तुमने आंसू बहाए तो गई भैंस पानी में। ज्यादा इमोशनल मत हो जाना, शांत होकर सारे डाउट्स क्लियर करना, और तुम्हें जरा भी शक हो तो सीधा ब्रेकअप। एक्सक्यूज
एक्सक्यूज मी, एक सैंडविच। ठीक है दीदी। क्या है ये? मैंने एक बोला क्या? अच्छा दो लाना। अच्छा ये फातिमा यहाँ पर आकर बैठी है, अब इसकी बकबक झेलनी पड़ेगी यार। क्या हुआ सैंड्रा? कल मैंने चर्च में तुम्हारा इंतजार किया, तुम आई नहीं। पूछे से ये क्या चल रहा है फातिमा? तुम लोगों ने ऐसा क्या किया जो इसके चेहरे पे 12 बज गए? उसने कुछ नहीं किया, गलती तुम्हारी है। मैंने ऐसा क्या कर दिया? ए सुन, मैंने कहा था ना रोना धोना नहीं है, चाहे कुछ हो जाए। कहना क्या चाहती हो? मेहरू के साथ क्या रिश्ता है तुम्हारा? तुम्हें उसके साथ बाइक पर घूमते हुए देखा है इसने। सच सच बताओ उसके साथ क्या कर रहे थे? तुम्हें जो लगेगा वो करोगे? एक के साथ प्यार का वादा और दूसरी के साथ अलग इरादा, वो भी गर्लफ्रेंड की दोस्त से। कितने घटिया हो तुम। बहुत हुआ फातिमा, तुम ज्यादा बोल रही हो, जो मन में आया बके जा रही हो। क्या सबूत है तुम्हारे पास? देखो मैं चाहे जो कहूँ, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? तुम दोनों उस दिन मोहब्बत कैफे में गए थे ना, हमारे पास सबूत है, मोहब्बत कैफे की सीसीटीवी फुटेज। मैं तो ऐसे ही वहाँ घूमने गया था, वो भी वही थी, हमारी मुलाकात हो गई। अच्छा अब मैं समझी तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे थे। Hey, what the hell is this? तुम दोनों ने साथ में कुछ सेल्फीज तो ली होंगी, अब जरा कॉफी भी चख लो। देखो सोबे, मैंने वही किया जो इसे करना चाहिए था। यूँ समझ लो कि तुमने जो इसके साथ किया उसका हिसाब चुकता हो गया। हाँ हाँ ठीक है, चले जाओ अब। तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। तुझे से बहुत देखे, देखे अपना चश्मा ले जा। ओ, मेरे ग्लासेस। लगता है अब दूसरी ढूंढनी पड़ेगी। सुन जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। हेयर स्टाइल ऐसा था जैसे किसी ने पान खाकर थूका हो। शादी करनी है तो किसी रफी जैसे से करना। सफेद सी शॉर्ट्स, नीली टी शर्ट, उसका वो नीला हेयर बैंड, ऐसा लगा जैसे ईद का चांद देख लिया हो। एक बार मुझे देखकर मुस्कुराया भी था, ऐसा लगा जैसे दिल की धड़कने ही रुक गई हो। कितना प्यारा है। हाँ मुझे तो ऐसा लग रहा है इसके दिमाग के पेच ढीले हो गए हैं, उन्हें कसना पड़ेगा, समझ गई ना? वैसे तुझे वो सीसीटीवी फुटेज कैसे मिली? कौन सा सीसीटीवी? जिसमें सोबिन और मेहर साथ में थे। मैंने चाल चली और वो फंस गया। मैंने तो बस एक छोटा सा झूठ बोला था। नो कैफे वाला मुझे क्यों फुटेज देगा? अरे मेरा मैच, बाद में मिलेंगे। मैच खत्म होने में बस कुछ मिनट बाकी है, दोनों टीम्स के बीच एक एक स्कोर से कड़ा मुकाबला चल रहा है। चुप करना। खेल अब जबरदस्त मोड पर आ चुका है और दाईं ओर से प्लेयर ने सीधा गोल मार दिया। रोनिको जीत गया। देखा तुमने रोनिको ने कैसे कमाल का गोल मारा? गोच, इस जन्म में तुमसे ना हो पाएगा। भाई मुझे सिखाओ ना। भाई क्या नाटक कह रहे तेरा? प्लीज रियल मैड्रिड फैंस को सीटी बजाना सिखाना। अरे मेरी बात तो सुनो, रियल मैड्रिड फैंस को सीटी बजाना सिखाना हम फैंस के उसूलों के खिलाफ होता है। अरे यार वैसे भाई अब ब्राजील के खिलाड़ी ने गोल मारा है तो तुम उसके लिए सीटी नहीं बजाओगी क्या? जा रही लोलन। किधर है वो? हा? वो अभी भी निकल गया, 6,000 रुपए मांग रहा था। इतना क्यों मुंह फाड़ रहा है? वो पिछले मैच में 3,000 दिए तो थे और अब साला 6,000 मांग रहा है। ये अपने बजट से बाहर है यार, प्राइज मनी भी सिर्फ 1,00,000 रुपया है तो उसे 6,000 कैसे दे सकते हैं? वलंचरी ने उसे ज्यादा पैसे देकर अपनी तरफ कर लिया है। पैसा तो सबको चाहिए, अगर हम ये टूर्नामेंट कर लेते हैं तो उसके मुंह पर तमाचा होगा। मुझे नहीं लगता कि अंसार पैसा कमाने का मौका छोड़ेगा। अरे इसमें कौन सी नई बात है, उसकी शादी कादर के बेटी से हुई है, जानता है ना, आज वो पोलो कार ले आया था। छोड़ो ये सब, सुनो तुम जब्बार को कॉल करो। हमने जब्बार और साउंड निसार को भी कॉल किया था लेकिन सब लोग बिजी हैं, सिर्फ उत्तमन ही बचा था लेकिन वो भी मिडिल ईस्ट चला गया। अब क्या करेंगे, कमेंट्री नहीं रखते हैं। क्या बात कर रहा है यार तू, कमेंट्री के बिना मैच में मजा कैसे आएगा? कमेंट्री बिना मैच मतलब शक्कर बिना चाय। यार इस गांव के लोग भी ना, उन्हें लगेगा हम लोग टूर्नामेंट नहीं संभाल सकते, न्यूज बनाने का मौका मिल जाएगा। तो ही बताना कि मैं क्या करूं, कमेंट्री मैं ट्राई करूं क्या? पहले मैदान का नाम सही से लेना सीख। मैदान है मम्बर रुम्बर डब क्या है? चुप कर साले, बोलना नहीं आता और आया कमेंट्री करने। असी एक बात कहूं मैं, एक शख्स है लेकिन तू ही उसे यहां ला सकता है, अपनी बकबक।
अरे यार उसकी बकबक और कमेंट्री में बहुत फर्क है। उसे गेम पता भी है? अबे पागल हो गया क्या, उसे गेम के बारे में सब पता है। टीवी पर जब मैच आता ना तो उसकी कमेंट्री सच में सुनने लायक होती है। प्रॉब्लम ये है कि वो ये करेगी या नहीं। और ज्यादा मत सोच, उस पर यकीन है ना। बस उसे यहाँ ले आ और मैच के बाद घर छोड़ा, और किसी लड़की का मैच में कमेंट्री करना तो नई बात होगी, है ना? और हमारे पैसे भी बच जाएंगे। बात तो सही कह रहे हो, पर मुझे नहीं लगता कि पापा मानेंगे क्योंकि मैच स्टेडियम में होगा ना। है यार, तू तो ऐसे बोल रहा जैसे कोई पाप कर रहे हैं। उनसे कह देना मैच दिखाने ले जा रहा हूँ। अब ज्यादा मत सोच, बुला ले उसे। बात करता हूँ उससे। हाँ, लेकिन पंगा ये है, आज ही मैं उसे रियल मैड्रिड फैन होने के लिए चिढ़ा रहा था। पता नहीं वो मानेगी या नहीं। उसे कुछ खिला पिला, मीठी बातें कर यार, जा ले आ उसे। जाना। हाँ ठीक है, बात करके देखता हूँ उससे। फातिमा, सीवन को देखकर शीशी क्यों कर रही है? तुझसे पूछ रही हूँ, शीशी क्यों कर रही है? मैंने किया। माँ तुम भी ना। अरे मैंने खुद देखा, तू उसे देखकर शीशी कर रही थी। हाँ शुशु, कुछ भी झूठ मत बोलो मुझसे। मैं पहले से ही इतनी टेंशन में हूँ और बकवास कर रही है। ए सीवन एक बुरके वाली लड़की के साथ देखा गया था मुक्काम रोज सिनेमा में, मुझे अपने पड़ोसियों ने बताया। कहीं वो लड़की तू तो नहीं है? सुनो, कुछ भी मनगढ़ंत कहानियां मत बनाओ। मैंने कितनी बार कहा है अन्नाकुटी की बातों पर ध्यान मत दो। तो फिर उसे देखकर शीशी क्यों कर रही थी है? जवाब क्यों नहीं देती? अरे बाप, दरअसल पहले तो सिर्फ बातें ही करती थी, अब पता नहीं क्या क्या करेगी। माँ क्या है? मैं ना सीटी बजाने की प्रैक्टिस कर रही थी। क्या कहा, सीटी? दिमाग खराब हो गया है तेरा जो तू ये सब करती रहती है। दोबारा सीटी बजाई ना तो तेरी सीटी बजा दूंगी मैं। देखो तो इतनी बड़ी हो गई है पर अकल नहीं आई। कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा करती रहती है। मैं अन्नाकुटी आंटी के यहाँ जा रही हूँ, वहाँ जाकर थोड़ी शांति मिलेगी। अच्छा तेरा तो एग्जाम होने वाला था ना, क्या हुआ? एग्जाम नहीं है माँ, इंटर्नशिप है, किसी कंपनी में जॉब ढूंढनी पड़ेगी। सुनिए अजी, सुनिए, मैंने नारियल गिरने की आवाज सुनी थी। अगर वो सुनी की माँ देखेगी तो ले जाएगी, आप जरा लेकर आइए ना। मैंने कहा देख कर आइए ना। ए फातिमा। हाँ? देख तो तेरे पापा गए क्या? हाँ वो बाहर जा रहे हैं। क्या बात है? फिर से करो। ऐसे उंगली रख और ऐसे जीभ को घुमा। हाँ ऐसे नहीं रे, ऐसे कर, ऐसे आ जीभ ऐसे। अब बजी ना सीटी। फिर से अब तुम्हें दिखा दूं भाई। मधु। हाँ? तुम अब क्या कल मैच देखने आ रही हो? हाँ? मैच देखने आ रही हो या नहीं? मैं? हाँ पक्का भाई, मैं आऊंगी। ठीक है जल्दी से चेंज कर लो और बाहर आओ। हाँ सिटी 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 बजाओ, सिटी 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 बजाओ। समझ में नहीं आ रहा कैसे कैसे बनाऊंगा। भाई बताओ कौन है वो? वो राहना है क्या या शादी वाली लड़की सुरुमी? क्या? और आप घूस देकर अपना काम निकलवाना चाहते हैं, चॉकलेट शेक, वाटरमेलन जूस? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, पर मुझे तुमसे कुछ और बात करनी थी। क्या? क्या तुम हमारे मैच के लिए कमेंट्री करोगी? हमें कमेंटेटर चाहिए। कमेंट्री? अंसार जो पहले कमेंट्री करता था वो चला गया, जब बार को दूसरे मैच में जाना है। हम लोग फंस गए यार, प्लीज मदद कर देना। मैं मतलब ये कि मैच के अनाउंसमेंट्स और कमेंट्री तुम करोगी। नहीं मैं कोई कमेंट्री नहीं करने वाली, चलो मुझे घर छोड़ दो। बड़े आए कमेंट्री करना आसान बात है क्या? और वो भी तब जब इतने लोग आए हो। अरे बैठना, इतनी बड़ी बात नहीं है इसमें।
हमने ऑफिस के जैसा एक बूथ सेटअप किया वहां पर। एक बार तू उसके अंदर गई कोई तुझे देख नहीं पाएगा। कोशिश तो कर, बहुत मजा आएगा, बता रहा हूँ मैं तुझे। नहीं भैया, मुझसे नहीं हो पाएगा। अगर मैंने कुछ गलत कह दिया तो फिर क्या होगा? फुटबॉल की कमेंट्री, मैं शायजी दामोदरन थोड़ी ना हूँ। बातों नहीं कहेंगे यहाँ के सब लोग मुझे। देख पातू, आना है तो आ जा मेरे साथ, नहीं तो हम गए काम से। मुझे उससे क्या। देख मौसम भी बड़ा अच्छा है। चुल्लिकड़ नाम के एक राइटर को जानती है तू? वो और मोहम्मद रफी मिलकर टूर्नामेंट की ओपनिंग करेंगे। हा? कौन सा रफी? तुम्हारा मतलब मोहम्मद रफी? आऊंगी, लेकिन उसके साथ एक मंबरम मिनी स्टेडियम में आज एक जबरदस्त मैच का आगाज होगा। अब चाहे आंधी आए या तूफान या कोई भी बाधा आ जाए, ये टीम हार नहीं मानेगी। टी टाइम पेरिंदिल आ चुकी है। दूसरी ओर है सुपर स्टूडियो मलप्पुरम टीम। इसे स्पॉन्सर किया है मंकड़ा के खून थोड़न मीट स्टॉल ने। सभी डाई हार्ड फुटबॉल फैंस का आज के इस मैच में तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। मैदान पर चौकन्ने होकर अपनी नजर गड़ाए हुए, अपनी सटीक तैरंदाजी से गेम को प्लान कर बाएं से वार करते हुए, अपनी धुआंधार बाजियों से अगली टीम को टक्कर देने के लिए यहां आए हैं। सुपर बॉयज मलप्पुरम संग पेश करते हैं प्री सीजन फुटबॉल टूर्नामेंट। टी टाइम पेरिंदिल और सुपर स्टूडियो मलप्पुरम के बीच आज हम कड़ा मुकाबला देखने जा रहे हैं। हमारे साथ आज इंडिया के उम्दा प्लेयर्स की फुटबॉल टीम है और दर्शकों का जोश भी। गर्मा गर्म माहौल को देखकर लगता है कि जैसे बिरयानी बन रही हो। यहाँ मौजूद 5,000 लोग पूरे जोश के साथ गोल गोल चिल्लाने के लिए तैयार हैं। अपना दिल थाम कर बैठिए दोस्तों, इस तूफानी मैच को शुरू होने में बस कुछ ही मिनट बाकी है। मलप्पुरम टीम, जो हर एक टीम के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और जिनके पास विरोधी टीम को हराने के लिए एक से बढ़कर एक पैतरे हैं, वो सबको हैरान करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। वो टीम जिन्हें ऑल इंडिया फुटबॉल ट्रॉफी को चूमने के कई मौके मिले हैं,
वो आज इस मैदान पर इकट्ठा हुए हैं। फुटबॉल का ये मुकाबला बहुत ही अद्भुत होने वाला है। पूरे स्टेडियम में गूंज रही विसल ने माहौल को जोश में भरते हुए हमें भी अंदर से झंझोर दिया है। सीने को मिट्टी लगाते हुए कुट्टन ने खेल शुरू किया। बॉल सुदानी पैर को पास कर दी। बेला ने धीरे से उसे आशिक उस्मान की ओर धकेला। उस्मान ने किसी जादूगर की तरह मैदान की रौनक बढ़ा दी है। तेजी से बॉल आगे बढ़ाते हुए तीनों प्लेयर्स बढ़ते जा रहे हैं। इस दौरान रफी काफी रोमांचित लग रहा है। क्या बात है, लगता है सुपर स्टूडियो को खतरों से टक्कर लेना पसंद है। और ये रहा बेला फिर से अपने अंदाज में। सुदानी की किक का तो कोई जवाब ही नहीं है। गोल वो करके ही रहेगा। बॉल को पास करते हुए पैर ऐसे लग रहे हैं जैसे वो किसी धुन पर थिरक रहे हो। लेकिन अभी टी टाइम हार मानने को राजी नहीं है। टी टाइम फिर से टक्कर देने के लिए तैयार है, बिल्कुल किसी घायल शेर की तरह। वाओ, खेल पूरी तरह पलट गया। बॉल अब टी टाइम के कब्जे में है। अब ये वो बॉल नहीं जिसे 14 पैरों ने छुआ था। अब ये वो नहीं रही, पूरी तरह बदल चुकी है। बॉल तेजी से गोल की तरफ बढ़ रही है। वो बॉल जो हर किसी के जहन में रहेगा। अपना दिल थाम लो। और अब गोल की तरफ बॉल को लेकर बढ़ते हुए विशाल। अरे नहीं, टूर्नामेंट में बस एक ही चर्चा रही है, फातिमा की कमेंट्री। किक ऑफ विजल के अंदाज को जिस तरह से इसने बयां किया है ना, कमाल का था। दिल तो करता था इसे उसी वक्त ही जाकर मुबारकबाद दे दूं। रामायण में भी इसी तरह का एक छंद हुआ करता है। वारित तंदिल तिरमाल गणंद मोले, भारतीय पदावली तोड़म काले काले। इसका मतलब यह है, समुद्र में निरंतर उठने वाली तरंगों की तरह तुम्हारे मुंह से भी शब्द इतनी सहजता से निकलते हैं जैसे मस्तिष्क में विचार आते हैं। ऐसी ख्वाहिश तो हर राइटर की होती है। मालिक के इस तोहफे को संभाल कर रहा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। क्या बकबक, तू तो रातों रात स्टार हो गई यार। तुमने सुना ना उन्होंने क्या कहा? समंदर, लहर, उनकी बातें तो मुझे समझ में नहीं आई, लेकिन तुमने कमाल कर दी। कमेंट्री हो तो ऐसी हो, है कि नहीं? बहुत बढ़िया। पूरे स्टेडियम में गूंज रही किक ऑफ विसल ने माहौल को जोश में बदल दिया है। आज यहाँ पर हंड्रेड्स मुकम सौ ट्रैफिक जाम को पार करते हुए तेज स्कूटर की तरह जाम में फंसी बाकी गाड़ियों को पीछे छोड़ते हुए ठीक उसी तरह आगे बढ़ रहा है। कोडायम ब्रदर्स के डिफेंडर से आगे बढ़ते हुए कलई नदी की तरह बेहद आसानी से आगे बढ़ रहा है। मोइदुद्दीन गोल पोस्ट के एकदम सामने है। मोइदुद्दीन ने एक लॉन्ग पास किया। जोसे बॉल लेकर तितली की तरह लहरा रहा है। जोसे बॉल आगे बढ़ा रहा है बाई ओर से दाई ओर पास करते हुए। जोसे जोसे के सामने सबसे बड़ी चुनौती गोलकीपर है। गोल! बिल्कुल टॉप से निकले जोशीले गोले की तरह। गोल! सुनना बकबक, हाँ? तू हमें टीटीएम के सक्सेस सेलिब्रेशन में ज्वाइन करेगी ना? मजा आएगा। कल रहना का प्री वेडिंग फंक्शन है, पर मैं एक घंटे के लिए आ सकती हूँ, कमेंट्री नहीं अनाउंसमेंट के लिए। हाँ, बहुत बड़ी हो गई तू। आईएफएल के दामोदरन भी तुम्हारे जितने बिजी नहीं होंगे। देखो, कमेंट्री से मैच में जान आ जाती है। वो तो है, अनाउंसमेंट में वो बात नहीं। तो बताओ। अरे प्लीज आ जाना यार, मैंने उनको बोला है तू आएगी। बाकी सब अल्लाह की मेहरबानी। जरा अपने साहबजादी को बुलाइए। हाँ, तू? हाँ, मैं आती हूँ। बेटियों को शादी करके दूसरे घर जाना होता है, सही कह रहा हूँ ना? आजकल की लड़कियाँ बड़ी बेगैरत हैं, इन्हें अल्लाह का बिल्कुल खौफ नहीं। लड़कों के खेल के मैदान में फातिमा जोर जोर से बकबकाती है, ये सच है। फुटबॉल तो हर जगह खेली जाती है, लड़कों जैसे छोटे छोटे कपड़े भी पहने जाते हैं। हिजाब की बात तो आप भूल ही जाइए।
फोटोएं खींची जाती हैं, फोटो ही नहीं सेल्फी सेल्फी। लेकिन कादर भाई वो रहना तुम्हारी उम्र की है ना, शादी हो रही है उसकी, उसका दूल्हा दुबई में है एमबीए होल्डर, पढ़ाई लिखाई करके कितने ही एडवांस हो जाए, दुल्हन उन्हें दबी ढकी घरेलू और तहजीब याफ्ता ही चाहिए, लड़की की खूबसूरती नहीं देखते वो। आपको किसने कहा आजकल के लड़कों की ऐसी डिमांड होती है? कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे लेकिन सारे लड़के ऐसे नहीं होते। देखिए हमें ऐसे जीवन साथी की जरूरत है जो सारी जिम्मेदारियां आपस में बांट सके। वल्ला यूनियन लीडर मोइदो के बेटे हो ना तुम? हाँ तो वो अब तक जेल में है या रिहा हो गए? आगे एक भी शब्द बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, बोल देता हूँ। हमारे अपने हो इसीलिए कह रहा हूँ, शादी करनी है तो रवायतें निभानी होंगी। असी तुम इसे लेकर घर जाओ, मुनीर का इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, मेरे साथ आइए। इस वायरस का खात्मा तो करना ही है। अब और क्या देखना बाकी है, चलो मेरे साथ। ये क्या है पातू बेटा, अचानक नहीं हो रहा ये सब? कई दिनों से बात चल रही थी, मैंने सोचा है तुम्हें बाद में बताऊंगा। कल शादी की सिर्फ बात हो रही थी, इसका मतलब शादी थोड़ी हो गई। मैं जानती हूँ आप ये सब क्यों कह रहे हैं, कल उन्होंने जो बातें कही आप उसी पर अड़े हैं, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। फातिमा, रहाना की शादी फिक्स होने के बाद तेरे पापा ने तेरी शादी की बात भी की थी, कल ही उन्होंने बताया कि एक रिश्ता आया है, उन्हें आने दे बेटा, एक बार देख लेते हैं, तेरे पापा ने जुबान दे दी है। नहीं नहीं परसों बिल्कुल नहीं, मुझे कॉलेज जाना है, इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना है, प्रोजेक्ट सबमिट करना है, काम ही काम है, मेरी शादी के बारे में पहले मुझसे पूछते, पहले ही जुबान क्यों दे दी? जब देखो प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट, फुटबॉल कमेंट्री के अलावा और कौन सा प्रोजेक्ट कर रही हो तुम ये बताओ। मेरी बात समझ लो बेटा, बहुत अच्छे घर से रिश्ता आया है, बात जम गई तो तुम्हारा ही भला होगा। हाँ प्रोजेक्ट है मेरे पास, मैंने आपसे नहीं कहा था कि मुझे LLB करना है, तुम्हें लॉयर या पुलिस ऑफिसर बनने लायक बात नहीं है कहकर आपने तो मना कर दिया, और केमिस्ट्री पढ़कर टीचर बनने को कहा, आपके मुताबिक औरतों को टीचर ही बनना चाहिए, मेरे पास काफी प्रोजेक्ट है जिसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, पर सब आपकी वजह से हुआ, अब मुझ पर इल्जाम मत लगाइए। हाँ हाँ सब मेरी वजह से हुआ, मेरी मेरी गलती थी जो तुम्हें पढ़ाया, पढ़ी लिखी लड़कियाँ शादी कहाँ करती हैं, फैशन बन चुका है आजकल, मेरी हर बात को मजाक में उड़ा देती। फातिमा मुनीर, लड़के वालों से कहना आ जाए, ये उनसे मिलेगी, मिल लेना। मेरे साथ ही ये होना था। फातिमा तुमने खामखा उनसे झगड़ा किया, शादी के लिए किसी ने फोर्स नहीं किया था, तुम्हारे पापा को भी तकलीफ हुई होगी जब वो तुमसे लड़े थे। पर मेरी जिंदगी का सवाल है टीचर, मेरी इजाजत के बिना वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? तुम्हारी इजाजत के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता, फिर भी एक बार लड़के से मिलकर देख लो, और फिर मैं देखती हूँ कि तुम्हारा इंटर्नशिप का क्या करना है। तो लगता है इनॉग्रेशन खत्म हो गया, बालचंद्र जी आ रहे हैं, इतने साल हो गए कैंपस का नाम लेते ही उनका चेहरा मेरे सामने आ जाता है। जमाना बदल गया है, मैं कैंपस शब्द सुनती हूँ तो दुलकर सलमान का ख्याल आता है। तुम तो फातिमा हो ना कमेंट्री वाली? यस सर। तुम यहीं पढ़ती हो क्या? हाँ सर। अरे कमाल की फुटबॉल कमेंट्री करती अच्छा? है, बहुत बढ़िया। तो आप इनके गांव गए थे सर? बिल्कुल, सेवन्स टूर्नामेंट के उद्घाटन के लिए गया था, वहीं इसकी कमेंट्री सुनी थी मैंने। सुनिए ऑफिस में टी पार्टी है, आप भी आइए ना। कम फातिमा। ठीक है मैम। तुमने मना किया होता ना तो मार ही डालती। पुराने प्यार की लो अब तक बुझी नहीं। कुछ भी। फातिमा। हाँ? सर आ गए। सर ये नैंसी मैम है, आपकी पुरानी फैन है। तो क्या फैन नहीं रही हैं? मैं आपकी बड़ी फैन हूँ सर। फातिमा। सर जो मैंने तुमसे कहा था कभी भूलना मत, अपने शब्दों को साध लो, माँ सरस्वती सब पर कृपा नहीं करती, कमेंट्री फील्ड में तुम जैसे टैलेंट के लिए अपार अनगिनत संभावनाएं हैं, इस विधा को तुम नए आयाम दे सकती हो, चाहे कोई भी बाधा आए कभी रुकना मत बेटा। कुछ देर के बाद तुम्हें बुलाऊंगी, उससे पहले आना मत, और हाँ पापा ने कहा है उन लोगों के सामने ज्यादा सवाल जवाब मत करना। मतलब मैं कुछ न कहूँ? हाँ ये भला क्या बात हुई माँ, आपका मतलब बिना कुछ बोले भी किसी से मिला जा सकता है? मैं जानती हूँ तुम चुप तो नहीं बैठने वाली हो, जो भी पूछना है जरा प्यार से पूछना, अपने सवालों से उनका दिमाग मत खाना वरना बेकार में मेरा प्रेशर बढ़ जाएगा। मैं सोचूंगी फातिमा।
हमने अपने बेटे को बहुत ही अच्छे संस्कार दिए हैं। ये इतना सीधा है कि बच्चे फुटबॉल खेलते थे, ये घर में पढ़ाई करता था। नतीजा देखो, इसके पास गाड़ी है, आईफोन है, फॉरेन में नौकरी है, बस छोकरी नहीं है। अच्छा, फुटबॉल से कोई दिक्कत है आपको? बिल्कुल है। बच्चे फुटबॉल खेले तो उनके दिमाग की बत्ती भी गोल हो जाती है। इसके लिए पढ़ाई से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है। चलो अब उसको बुला लो फौरन। फातिमा, ये नवाज की माँ है। 165। क्या बोली? आप मेरी लंबाई जानने की कोशिश कर रही है ना? पढ़ाई क्या कर रही है तू? BSc बायोकेमिस्ट्री। हमारी फैमिली बहुत मॉडर्न है, समझी ना? हम सब तो फिल्म देखने भी जाते हैं। तुझे चाहिए तो तू जीन पैंट भी पहन सकती है। हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस टुकड़ा कपड़ा नहीं पहनने का। तुझे पूरा फ्रीडम है। अब इन दोनों को जरा आपस में बात कर लेने दो। हाँ, इन दोनों को बात करने दो। जिंदगी इन दोनों को ही साथ बितानी है। सही कहा ना? फिसल मत जाना। तुम्हारा नाम नवाज है ना? जी, नवाज। पढ़ाकू नवाज कह सकती हैं। उधर चलकर बात करते हैं। उधर क्यों? कल ही पता चला मेरे घर वाले लड़का ढूंढ रहे हैं। पता है उस दिन मेरी दोस्त राहना की शादी थी। शादी से लौटते ही पापा ने बताया कि कोई मुझे देखने आ रहा है। हाँ, जब से उसकी शादी हुई है पापा टेंशन में हैं, जिसके चलते ऐसा कर रहे हैं। इसीलिए मेरा ये हाल है। हमेशा फोन पर लगे रहते हो? आज जरा कुछ टेंशन है। पढ़ना पसंद है तुम्हें? पढ़ना कुछ खास नहीं। किताबें नहीं पढ़ते? नहीं। फिल्में देखते हो? हाँ, फिल्में देखता हूँ। किस तरह की फिल्में पसंद है? जो भी देखने को मिल जाए। जो देखने को मिले मतलब? मजे के लिए, जो भी थिएटर में लगी हो। तुम फुटबॉल देखते हो या फिर खेलते हो? नहीं, मुझे फुटबॉल पसंद नहीं है। फिर भी अर्जेंटीना या ब्राजील? नहीं नहीं नहीं, मैड्रिड या सिटी। सिटी मतलब? मैनचेस्टर सिटी केविन डी ब्रुइन की टीम है। जाने दो, तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेगा। दुबई में कौन सी कंपनी में हो? क्या पोस्ट है? ये स्टार्टअप कंपनी है, इसकी मेन ब्रांच जर्मनी में है। फैमिली वीजा है तुम्हारे पास? शादी के बाद वहाँ ले जाओगे या यहीं रहना है? फैमिली का वीजा नहीं है फिलहाल, लेकिन बाद में। तुमने क्या पढ़ा है? पढ़ाई यहाँ की? फेरोके में? बेटा नवाज, इधर आना। अभी आया। क्या हुआ, फैमिली वीजा? हाँ, मैं वो कहाँ चले? एक और बात पूछनी थी मुझे। लॉटरी टिकट खरीदते हो? तुम्हारा नाम मैंने पहली बार 7th मैच में ही सुना था शायद। उसके बाद फेडरेशन के मैचेस खत्म हो गए। हमें फाइनल और सेमीफाइनल में कुछ ऐसा ही धमाका चाहिए था, और इसीलिए हमने तुम्हें बुलाया। कुछ भी कहो पातू, तुम्हारी कमेंट्री एकदम धमाकेदार। मैंने तुम्हें ये बताने के लिए ही बुलाया है। तुम जरा लेट हो गई, वरना मैं तुम्हें फेडरेशन की मीटिंग में ही बुला लेता, मजा आ जाता। अरे, हार की कोई जरूरत नहीं, आपकी तारीफ ही मेरे लिए बहुत है। आपके शब्द उस हार से बहुत अच्छे हैं। ये हमारी तरफ से आपके लिए रख लीजिए। मैं कोई तोल मोल नहीं करना चाहूंगा। अगले फेडरेशन कप में आपको आना ही होगा। उसके अलावा स्कूल मैच भी होगा, फाइनल्स के लिए बुलाएंगे, ठीक है ना? हमारे अगले मैचेस अब कुछ ही दिनों में शुरू हो जाएंगे। और जो लोग आपके बारे में ऐसी बकवास बातें कर रहे हैं, आपको तो पता ही होगा, लेकिन आप ऐसी बातों पर ध्यान मत दीजिए। देखो आसी आ गया। मैंने इन्हें ड्रॉप करने को कहा था, कम से कम जाते वक्त तो। मुझे भी अब निकलना है, ठीक है, जल्दी मिलते हैं। ओके, क्या खुशी का मौका है नेक्स्ट सीजन के लिए इनवाइट किया है। ये रात तुम्हें दिखाने वाला था कौन? अपने भाई का नाम रोशन करोगी तुम? मेरा भाई तो हीरा है। तो कितना छाप रही है उससे? मतलब कि कितना पैसा दे रहे हैं वो तुम्हें? अभी इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं, ये कुछ नहीं है, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। घर चलो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज वेट कर रहा है। वो क्या है? इतना सोचने की जरूरत नहीं है, बाइक पर बैठो और चलो आ जाओ। मुझे रेड कार्ड दिखाओगे? वो सब तो घर जाके मालूम पड़ेगा बहना। तू पुलिस वाली है जो सवाल पूछ रही थी? वो जैसे ही जाने लगता तुम फिर सवाल कर देती। कोई समझदार लड़की ऐसा करती है क्या? वही तो कह रहा हूँ, मैं तो खुद से ही शर्मिंदा हो गया था। किस बेहयाई से ये नजरों से दूर हो गई बेशर्म।
क्या सवाल पूछे तुमने? एक के बाद एक पूछे जा रही थी। अरे चिल्ला क्यों रहे हो, उसे शांति से पूछो क्या हुआ है। मैंने तो बस उससे वीजा और कंपनी के बारे में पूछा था। क्या उसने तुमसे कुछ पूछा फातिमा? इसने उसे मौका ही कहाँ दिया। मुनीर मियां, याद है कुछ दिन पहले मैंने तुमसे क्या कहा था? पर ये कुछ नहीं समझी, इसी की गलती की वजह से वो लोग छोड़कर चले गए। मेरी गलती है? मैंने ऐसा क्या कर दिया? उसने ही कुछ जवाब नहीं दिया। वैसे भी मैं उससे शादी नहीं करने वाली। उस दिन कितनी अच्छी तरह समझाया था, अब तुम सब भूल गई। एक मिनट कादर अंकल, कौन से जमाने में जी रहे हैं आप? उस दिन मैं आपको चुपचाप सुन रही थी क्योंकि वहाँ बहुत से लोग थे, इसलिए नहीं क्योंकि आपकी बातें काम की थी। जो लड़का मुझे देखने आया, मैंने उससे सिर्फ कुछ सवाल किए। मुझे नहीं लगता कि ये गलत है। वो इंसान जिसे मेरी पसंद की चीजों में दिलचस्पी नहीं है और उन चीजों के बारे में पता भी नहीं, उससे मैं शादी नहीं कर सकती। तुम्हें एहसास भी है तुम किससे बात कर रही हो? थोड़ा आराम से बात करना पाथू, सामने कौन बैठा है देखना। पापा मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, मुझे सबसे पहले अपने दम पर कुछ करने दीजिए, उसके बाद मैं शादी करूंगी। अगर आपने जबरदस्ती मेरी शादी करानी चाहिए तो मेरे पास और भी ऑप्शंस है। मैं खुदकुशी नहीं करने वाली, लेकिन यहाँ कोर्ट कचहरी भी है। कादर अंकल, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वो लॉटरी खरीदता है, मुझे लॉटरी खरीदने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इन्हें लगता है कि घर बैठे ही पैसा कमा लेंगे। हाँ अब समझ में आया, तो समझदार है। फातिमा तू ये सब नहीं कर पाएगी बेटा। घर से दूर हॉस्टल के एक छोटे से कमरे में रहना, तू वहाँ बिल्कुल भी नहीं रह पाएगी। माँ ये सच है कि मुझे होम सिकनेस है, पर मैं एडजस्ट कर लूंगी, मुझे जाना होगा। उससे कह दो कहीं ना जाए, मैं वो बाप नहीं हूँ कि उसकी मर्जी के बिना उसकी शादी कर दूंगा, समझा दो उसे। मैंने तो उससे पहले ही बात की थी, जब पहला लड़का आया था तभी कहा था जाओ और बात करो। मेरा मतलब है हम उसकी मर्जी के बगैर तो शादी नहीं कर सकते ना। आथू क्या हुआ? मैंने पापा की आवाज सुनी। वो कह रहे हैं कि तुम मत जा, अभी तेरी शादी नहीं कर पाएंगे, बेचारे। और ये रहा हलवा, कलकत्ता का खास हलवा। भाई पढ़ो इसे, नहीं माँ को ये पढ़कर सुनाओ। ये सही कह रही माँ, लैब में ही है, बायोकेमिस्ट्री लैब है। समझिया, शादी करना या लड़के से मिलना मेरी चिंता नहीं है। अच्छा ये बता, और कोई नहीं तेरी नजर में? जब तक उपवास खत्म नहीं होता तब तक तो नहीं, तो तब तक आप क्रिकेट खेल लेना, मैं ईद तक वापस आ जाऊंगी। वैसे भी मल्लपुरम के बाहर मैच होते रहते हैं, इस जगह के पार एक बहुत बड़ी दुनिया है। दुनिया में फीफा वर्ल्ड कप भी सब कुछ नहीं होता, यहाँ पर IFL होता है, चाहो तो वहाँ भी ट्राई कर सकती हो तुम। और क्या क्या लाइन कही थी वो तुमने? नायलॉन नेट से बनी हुई, बनी नहीं बंधी हुई, बंधी हुई गोल पोस्ट के सामने नायलॉन नेट से बंधी, कूदती उड़ती फिसलती लुढ़कती प्रतिद्वंदी के जीत के सपनों को कुचलती हुई। आराम से खा। पापा पापा मैं अपनी पढ़ाई और जॉब के लिए यहाँ से जा रही हूँ, इसलिए नहीं कि मैं शादी से डरती हूँ। आखिर मेरी जिंदगी का सवाल है पापा, मैंने जो कुछ चाहा है मुझे पाना तो होगा ना। आज तक जो कुछ मैंने हासिल किया वो आपकी बदौलत हुआ है, किसी ऐरे गहरे राय बहादुर की वजह से नहीं, तो इसको भी पूरा करने में आपको मदद करनी होगी ना। बेटा हम मिडिल क्लास फैमिली वाले हैं, बड़े सपने देखने को तो सब कहते हैं, मुझसे भी कहते थे, मेरे टीचर्स मुझसे बड़े सपने देखने की हिदायतें देते थे, और हमने बड़े सपने देखे भी, पर मैं उन्हें पूरा नहीं कर पाया। सपने टूटना ऐसा था जैसे हम पहाड़ से गिर गए हों, इंसान अंदर तक टूट जाता है बेटा। पापा जो आपको आसमान को छूने का सपना दिखाते हैं ना, वो ये नहीं बताएंगे कि उसे छूना कैसे है, अगर हम चाहें तो कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। अब बताइए क्या मेरी हार होगी? Hmm?
लो भैया। ठीक है। हेलो, मुझे इंटर्नशिप के लिए कॉल आया था। हाँ ठीक है, आप यहाँ बैठ सकती हैं। वहाँ? हाँ। कौन हो तुम, क्या चाहिए? इंटर्नशिप है? जी सर। जैसा यहाँ लिखा है, आपको लैब की सारी एक्टिविटीज की रिपोर्ट बनानी है, और ये रिपोर्ट मेरे पास एक हफ्ते के अंदर आ जानी चाहिए। मैंने कहा सब कुछ का मतलब यहाँ जो भी हो रहा है, स्पेसिमेंस, मॉलिक्यूलर एनालिसिस, टेस्टिंग मेथड्स और सब कुछ। हाँ। सुनो, तुम इनकी मदद कर दो। सर, मेरा एक सवाल था। बोलो। यहाँ सैटरडे और संडे ऑफ होता है क्या? क्या कहा? सैटरडे और संडे छुट्टी रहती है क्या? मैं जानना चाहती थी कि छुट्टी कब मिलेगी। नए शहर में नहीं हूँ, मुझे हॉस्टल के लिए कुछ सामान खरीदना था इसीलिए। फातिमा, ज्वाइन करके कितने दिन हो गए? 5 मिनट सर। ये दूसरी जगहों की तरह नहीं है। इंटर्नशिप के नाम पे तुम यहाँ मनमाने काम नहीं करोगी। मैं पहले ही बता देता हूँ, तुम्हें इंटर्नशिप सर्टिफिकेट तभी मिलेगा जब तुम मेरे मुताबिक काम करोगी, समझ गई? यहाँ ये 5 मिनट नहीं है और उसे छुट्टी चाहिए। अगर रहने का इंतजाम करना हो तो मुझे बता सकती हो। रहने का इंतजाम पहले ही कर लिया, मेरी एक सीनियर यहाँ रहती है, मेरी तरह उसने भी केमिस्ट्री पढ़ी थी, पर वो एक जर्नलिस्ट है, रम्या अवनी, टाइम्स में है। तुम्हें एक बार उसके आर्टिकल्स पढ़ने चाहिए, न्यूज़पेपर में उसका नाम आता है, तुमने देखा ना? धीरे बात करो, धीरे। चाहे मौत सामने क्यों ना आ जाए, तुम्हें कुछ नहीं होने वाला। अभी तुम्हारी ही चुगली कर रही थी। धीरे बोलो। बक बक बंद करो, मुझे एक असाइनमेंट कंप्लीट करनी थी, अब मैं फ्री हो चुकी हूँ। वहाँ पर सब कैसा है? ठीक ही है, सब पढ़ाकू है यहाँ पर। मुझे डर है कहीं मैं अभी इतना पढ़कर साइंटिस्ट ना बन जाऊँ। और यहाँ तो सांस लेते हुए भी ध्यान रखना होगा, ये जगह तो विलेन अमरीश पुरी का घर लग रही है। ए, बस बस, मिलकर बात करने के लिए कुछ तो बाकी रखो। बातों की कोई कमी नहीं है यार, मेरे पास तो भंडार पड़ा है। 4 बजे तक मेरा काम हो जाएगा, मैं वहाँ पहुँचती हूँ, फिर हम साथ में चलते हैं, शाम का एक प्लान है। डन 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 डन। अमरीश पुरी का घर, घर की टिमटिमाती लाइट्स, घर में रहना होगा मुझे चुप होकर, और चुप होकर करने होंगे कई सारे बार। आखिर ये बात है, तुम्हारे पापा ने हार मान ली नहीं, तो फिर तुमने अपनी 2 हफ्तों के इंटर्नशिप को 2 महीनों के लिए क्यों बढ़ा दिया? और तुमने 2 महीने क्या किया, किसके साथ चक्कर चलाया? चक्कर यार, बड़ी आई, अगर चक्कर चलाऊंगी तो वो जैसा कहेगा वैसे कपड़े पहने होंगे, कहीं भी जाऊंगी तो उसे बताना पड़ेगा, नींद हराम करके मैसेजेस करने होंगे, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तो फिर ये सब क्यों किया? देख, रिसेंटली मैंने एक सपना देखा है और मुझे वो सपना सच करना है, और कोची में आना उसकी तरफ मेरा कदम है, मेरा पहला कदम। वो सब तो ठीक है, अब मुद्दे की बात करो। मुद्दा जरा सा बचकाना है, फिर भी मुझे कमेंटेटर बनना है। क्या बनना है? कमेंटेटर। कमेंटेटर यार। कमेंटेटर? तुम किसके लिए कमेंटेटर बनोगी? फुटबॉल के लिए, यहाँ पर होने वाले फुटबॉल मैच में कमेंट्री करने वाली हूँ। क्या कहा, ये क्या है? अरे कमेंटेटर, जैसे हमारे दामोदर जी। रोनाल्डो, ओ दिल थाम के बैठिए, अब होने वाला है तहलका। बकवास बनकर तुम बोलो। हाँ, ऐसा ही कुछ करना चाहती हूँ मैं, ऐसी कमेंट्री करूंगी कि सुनने वालों को फुटबॉल के पैशन का एहसास हो जाए, जब गोल हो तो उन्हें मेरी तरह ही फक्र हो, जब पेनल्टी किक मिस हो तो वो मेरी तरह ही रो पड़े, उन्हें खेल के जादू का एहसास हो। ऑसम। बहुत बढ़िया, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती, लेकिन ये पॉसिबल नहीं। एटलीस्ट तुम्हें मलयालम सीखनी पड़ेगी, तुम्हारी मालाबर मलयालम और फॉर्मल मलयालम में बहुत फर्क है। ये देखो, इस मैदान को हमारी दुनिया समझिए, इसकी मध्य रेखा से, भूमध्य रेखा से कूपर मोहन ने मैदान की ओर एक बड़ी विकेट लॉन्च कर दी है, कूटर मोइदुद्दीन ने पैरों से दाईं तरफ से बॉल पास कर दिया। उठो 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 उठो, तुम्हें आज काम पे नहीं जाना? मैंने जगह ढूंढने के बहाने 2 दिन की छुट्टी ली है।
दो दिन भी नहीं हुए। दो दिन के लिए बच गए। चाय? हाँ मेरी जान। ये रिश्वत किस लिए है? एक छोटी सी हेल्प चाहिए, इन सारी जगहों पर जाना है। क्या है? टू डू लिस्ट? केरला फुटबॉल फेडरेशन, मतलब कमेंटेटर बनना ही है। हाँ प्रेसिडेंट अंदर हैं? कौन? वो फेडरेशन प्रेसिडेंट जयेश नायर फुटबॉल टूर्नामेंट की मीटिंग में हैं। आपको इंतजार करना होगा। ओ, रुकते हैं। हाँ ठीक है ठीक है। अगर तुम्हें काम है तो जाकर पूरा कर लो, मैं वेट करूंगी। तुम मैनेज कर लोगी ना? हाँ मुझे एक जगह जाना था, तुम मैनेज करोगी तो ही। तुम जाओ, कोई हेल्प लगी तो बताना। चलती हूँ। आप खाइए। लीजिए ना, और है मेरे पास। नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। अरे लीजिए ना। आप खाइए ना। लगता है मीटिंग खत्म हो गई। सर आ रहे हैं। जरा वो कॉन्ट्रैक्ट देख लेना, स्टेडियम की केटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट उसे ही देना जिसे कहा था। ठीक है। सर मैं हूँ फातिमा, मैं मलप्पुरम से हूँ। स्टूडेंट हो? जी सर। IFL के वॉलंटियर्स को फेडरेशन से नहीं चुनते बेटा? वो बात नहीं है सर। तो फिर IFL में कमेंटेटर्स की सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में मुझे जानना था। क्या कहा? कमेंटेटर का सिलेक्शन? हाँ सर। अरे इतने छोटे से काम के लिए आई हो। नाम क्या बताया? फातिमा। फातिमा बीबी, इस टूर्नामेंट की वैल्यू 1000 करोड़ से ज्यादा है। कितनी है? कितनी है? 1000 करोड़। 1000 करोड़, जानती भी हो तुम इसमें कितने जीरो लगते हैं। तुम एक काम करो, वॉलेंटियर के लिए अपना नाम एनरोल कर लो, रिक्वायरमेंट होगी तो तुम्हें बुला लेंगे। ठीक है, इससे तुम्हारी ग्राउंड पर जाने की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। वो सर मैं यहाँ वॉलंटियर बनने नहीं आई हूँ, कमेंट्री करने का एक मौका मिल जाए तो। सर प्लीज एक बार देख लीजिए ना। सर प्लीज एक बार देख लीजिए ना। एक काम करो, इनसे मेरा नंबर ले लो और वीडियो भेज देना। इसमें आप क्या कर लेंगे, खुद तो बॉल की तरह लगती है। लगता है नाश्ते में केले वेले खा के आई है। ऐसे ही दिकड़म लगाते हैं ये लोग। तुम तो कमाल हो, मुझसे भी अच्छी कमेंट्री करती हो। सच कहूं तो मुझे याद नहीं कमेंट्री के लिए मेरे सिलेक्शन कैसे हुआ था। IFL और स्पोर्ट्स चैनल इसका सिलेक्शन करते हैं और ये सब कुछ तय होता है मुंबई में। लेकिन ये डिसीजन कौन लेता है? एक है मिस्टर शिवा, उन्होंने कह दिया तो हो जाएगा। हर बार मैंने उन्हें सिलेक्शन के टाइम पे देखा है, मुझे नहीं लगता मेरे रेफरेंस से कुछ काम बन पाएगा। शिवा तक पहुंचना भी मुश्किल है। अगर कुछ हो सके तो प्लीज हमें बताइएगा। हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है, नमस्ते। हाँ आपकी जानकारी के हिसाब से मैंने कुछ मेल भेजे, मैंने कुछ लोगों के नंबर भी निकाले हैं, लेकिन सब बेकार। हमारा यहाँ कोई काम नहीं, इनका स्टार नेटवर्क है जो सब संभालता है। मैं फिर से कोशिश करूंगा, अगर कुछ हुआ तो बताता हूँ। तब तक अपना ख्याल रखना, ठीक है? बाय बाय। इस
पिटीशन पर आपके साइन चाहिए मेरे, तब मामला इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरी उनसे बात हो चुकी है। सतीश जी आप इनसे फॉर्म ले लीजिए। रम्या कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैम। टाउन हॉल की मीटिंग 3 बजे है ना? हाँ हाँ, वो मीटिंग यहीं पर होने वाली है, 3 दिनों तक मैं यहीं हूँ। मैम मेरी दोस्त फातिमा, मैंने आपको बताया था, वो कमेंटेटर, आपको वीडियो भी भेजा था। तो आप वो हैं, कमेंट्री अच्छी करती हैं। थैंक यू मैम। मैम मैंने आपसे पूछा था कि इसका जवाब मैंने फोन पर ही दे दिया था ना, अब यहाँ वापस आकर वही सवाल पूछने की क्या जरूरत है? चाहो तो इवेंट देख सकती हो, पासेस मिल जाएंगे। क्या तुम लोगों की जयेश से मुलाकात नहीं हुई? दरअसल सब कुछ वही संभालता है। मैं ये तुम्हारे अच्छे के लिए कह रही हूँ, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ये मुश्किल है। चलो मैं मैम मैम अब मेरा वेट करो, मैं मिलती हूँ। ओके चलो। कुछ लोग तो कहते हैं कि एवांस का डिसीजन सही था और कुछ लोग कहते हैं कि गलत था। अब तुम ही बताओ मैं इस पर क्या कहूँ, देखते हैं अब क्या होता है। वो हमारे देश में विदेशी रेफरी बुलाने वाले हैं, तो अब बताइए हमारे इंडियन रेफरी क्या करेंगे, सीटी बजाएंगे क्या? मैं, मेरे नाम फातिमा है, मैं वो। क्या तुम सबके पीछे पड़ी हो? अगर मैं भी तुम्हारी मदद करूं तो भी कुछ नहीं हो सकता, ये बात अपने दिमाग में डाल लो। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, दफा हो जाओ यहाँ से। हेलो, मैंने कहा था कोच को निकाल देना चाहिए, वो बार बार उस लड़की को यहाँ भेज रहा है। कमेंट्री करनी है? नो चांस। बेटा ये जो तुम कह रही हो ये उतना आसान नहीं है। आई एम सॉरी। तुम अपना वक्त बर्बाद कर रही हो लड़की, तुम कमेंट्री नहीं कर सकती। यहाँ किस लिए? फीमेल कमेंटेटर हमें नहीं चाहिए। मैंने कई बार कहा कि लड़की कमेंट्री नहीं कर सकती है। तुम कमेंट्री नहीं कर सकते, समझ कितनी बार समझ है कि नहीं हो सकता। भूल जाओ। आपको जल्दी डिस्चार्ज मिल जाएगा, इनकी सलाइन निकाल दो। ओके। बहुत खर्चा हुआ होगा ना? हाँ, मैंने अपना घर और प्रॉपर्टी बेच दी है, मेरे पास कुछ चिल्लर बची है, अब उसी में गुजारा करना होगा। कोई बात नहीं, पर अब आगे क्या करना है? अभी तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं आई, चुपचाप अपने घर जाओ, मैंने टिकट बुक की है। टिकट लाई हो? मेरे लिए? हाँ। यहाँ मेरे रहने से तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मैं कहीं और चली जाती हूँ। कितना नाटक करोगी? टूर्नामेंट 2 महीने बाद है, देखते हैं, शायद काम ना हो, फिर भी मुझे कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद ये जिम में नहीं दिखना चाहिए। मेरे पास एक और प्लान है। और कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे तुम्हारे लिए? मैं तुम्हें और ज्यादा तकलीफ नहीं दूंगी, कोई ना कोई नौकरी ढूंढ लूंगी। ओहो, तो तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ोगी? हाँ, अभी काफी वक्त है और उम्र ही क्या है, देखते हैं कब मौत आती है। वैसे हाफ टाइम में सीटी बजा लेना। लिस्ट के सभी मेंबर्स से तो हम मिल लिए, कल से फिर से रिपीट करना होगा। सड़कें बनी है समंदर और आने को है बवंडर, जज्बा भरा है दिल के अंदर, किस्मत का है तू है सिकंदर। आज सपनों पे धूल पड़ी है, चल तेरी मंजिल पास यही है, ना रुक जंग ये तेरी बड़ी है, तेरे साथ कायनात खड़ी है खड़ी है।
चला तू खून पसीने का तीर, लिख अपनी तू ये तकदीर, तोड़ दे आज तू ये जंजीर, बना तू अपनी एक तस्वीर, खुला है तेरे लिए मैदान, बना तू खुद के एक पहचान, किसी का ना लेना एहसान, है तेरी जमीन ये आसमान आसमान। हाँ वैसे तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोस्ट है, और भी कई काम करने पड़ सकते हैं, मल्टीटास्किंग। तुम्हें कोच को असिस्ट भी करना पड़ सकता है। वैसे हमारा मेन फोकस फुटबॉल है, लेकिन हम एथलेटिक्स भी करते हैं। मैदान मैचेस फुटबॉल इन सब से मुझे प्यार रहा है, और किसी काम की समझ नहीं है मुझे, इसीलिए रम्या ने मुझे आपके बारे में बताया। थैंक यू मैम, फुटबॉल को घूमते देखकर ही मेरा मन भर जाता है। हमारे यहाँ वैकेशन कैंप था, रम्या उसे कवर करने आई थी, तभी हमारी जान पहचान हुई। वो कॉलेज में मेरी सीनियर थी, उससे कॉलेज में ही मिली। दरअसल जब मैं 12th में थी ना तब। सॉरी। किस लिए सॉरी? मैं कुछ ज्यादा ही बात करती हूँ। तो क्या हुआ, बोलती रहो, मैं तुम्हें सुन रही हूँ। यहाँ बच्चे भी हैं, तुम उनसे भी बात कर सकती हो। बोलती रहो, ऐसे ही बात करती रहूंगी। तुमसे सच कहूँ, हमें इसी की जरूरत है। और फिर क्या कर रहे हो? फर्स्ट राउंड में जूतों ने जवाब दे दिया। ये सॉफ्ट ग्राउंड बूट्स है ना, इन्हें पहनकर मैदान पर जाओगे तो पैरों में दर्द होगा ही। ये है फातिमा, हमारी नई। हाँ, रम्या ने बताया था, इसने सुबह कॉल किया था। सोलोमन, सोलोमन, जिम ट्रेनर से लड़ाई की थी, तुम पर केस लगी है। कोई केस नहीं, हॉस्पिटल में सेटल कर दिया। मैं बस तुम्हें एक महीना रुकने के लिए कह रही हूँ, अब तुमने इतना इंतजार कर ही लिया है तो कुछ दिन और ही सही। ये सोलोमन है ना, वही जो आई लीग में है, सोलोमन मार्गरेट। मेरे पति जॉब थॉमस और इसने मिलकर ही एकेडमी शुरू की, लेकिन बच्चे फिर इसी की वजह से आने लगे। अब बच्चे नहीं आते वो भी इसी की वजह से। इसने खेलना बंद कर दिया है, बस जूते पहनकर यहाँ वहाँ दौड़ता रहता है और फिर मैच देखते रहता है। इसे लगता है इसके खेलने से बच्चों का हौसला टूट जाएगा। मैम, ये है फॉर्मर इंडियन फुटबॉल। हाँ जानती हूँ, प्रदीप सर से ही कहा। बचपन में फुटबॉल खेलने वाले लड़के मेरे दोस्त होते थे। मुझे तो उन न्यूज़पेपर्स की लाइंस अब भी याद है जिनसे वो बुक्स रैप किया करते थे। भाईचंद भूटिया के पैरों से जो बॉल टकराई वो जाकर गिरी इंडियन टीम के मूल मट्टम के पावर हाउस प्रदीप सर के पैरों पर, एक अटैकिंग सोल्जर जिसे कोच ने चुना था। तुम तो कमाल हो, हमें कोई याद ही नहीं रखता, स्पेशली हम मिडफील्डर्स को। प्रदीप भाई, हाँ? यह है फातिमा। ठीक है। ए, गागल से गला खराब हो जाएगा। तुम्हें कल गाना नहीं है, बस एक छोटा सा मैच है। अकेडमी में कैसे चल रहा है? ए, मुझे वहाँ सोलोमन दिखा, सोलोमन मार्गरेट। मैंने उसे कल का प्लान पूछने के लिए कॉल किया था, उसने कहा तुम ही उसे लेक्चर दे रही थी। वैसे कल दिन कौन सा है? कल की कमेंट्री के लिए तुम्हें सोलोमन ने रिकमेंड किया था ना? हाँ सही कहा, मैं भी सोच रही थी इतनी कोशिश करने के बावजूद भी अचानक काम कैसे हो गया, पर उसे तो टीम से निकाला गया था ना। ये तो स्पोर्ट्स काउंसिल का ही काम है, बढ़िया कमेंट्री करके मेरा नाम रोशन करना। बिल्कुल, मैं तुम्हारा नाम रोशन करूंगी, मेरा गला बैठ क्यों ना जाए, पर मैं उन्हें ये बता कर रहूंगी कि ये मौका तुमने मुझे दिलाया। ए, देखो यही है वो। उसे पकाकर खाने में बहुत मजा आता है। सर, सोलोमन ने भेजा है कमेंट्री के लिए। अच्छा यही है वो। मैंने तो तुमसे कहा था ना तुम्हारे लिए कुछ कर दूंगा मैं, फिर सोलोमन की सिफारिश की क्या जरूरत थी? ये बात नहीं है, मैं इस एकेडमी में काम करती हूँ। सोलोमन की एकेडमी में? हाँ, दरअसल कोशिश करने पर कुछ नहीं हुआ इसलिए उसने मुझे रिकमेंड किया। मैंने नहीं बल्कि रम्या ने उससे बात की, इसने ही सोलोमन को सब बताया और ऐसे। मैं कह नहीं सकता यहाँ कुछ हो पाएगा, फिर भी देखता हूँ क्या हो सकता है। लेकिन सर, सोलोमन ने कहा था कि जयेश सर से बात हो गई है इसलिए हम यहाँ आए हैं। आज कोई मैच नहीं है क्या? देखो फातिमा, यहाँ का कामकाज सोलोमन के हिसाब से नहीं चलेगा। मैंने तो कहा था तुम्हारी हेल्प कर दूंगा मैं, पर तुमने मेरा कोई ख्याल ही नहीं किया। मैंने तो मैसेज करके भी पूछा था तुमसे,
पर नो रिप्लाई। हाँ, प्रेसिडेंट से बात करके तुम्हें बताऊंगा कि क्या हो सकता है। बात बनेगी, कातिल हसीना देखते हैं। कमेंट्री का शॉक लगाए थे, मैंने समझाया था काउंसिल की तरफ से कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन समझ में नहीं आता है। अच्छा सुनो, बड़ी जोरदार तकदीर है तुम्हारी। मेहमानों के इंट्रोडक्शन का अनाउंसमेंट तुम करोगे, जयेश सर ने खुद कहा है मुझसे। ये लो मेहमानों की लिस्ट। ओ, सर मैं ये काम करने नहीं आई, मुझे मैच के लिए कमेंट्री करनी है। सोलोमन ने कहा उसने आपको इस बारे में बताया था। अच्छा ये बात है। कौन बोला तुम्हें कमेंट्री के लिए, वो पागल? देखिए उसकी हरकतें, किसी को कुछ भी बोल देता है। तुम्हें क्या लगा यहाँ उसका ऑर्डर चलता है? काउंसिल से एक नाम आया था मेरे पास, उसे भी इसलिए सिलेक्ट किया कि काउंसिल ने सिफारिश की थी। यहाँ तुम्हारी कमेंट्री नहीं होने वाली। देखो फातिमा, ये बात मैं तभी बताने वाला था जब तुम पहली बार मिली थी। कमेंट्री के लिए दमदार आवाज हो तो अच्छी लगती है। जब कोई खिलाड़ी गोल करता है या कुछ मजेदार हो जाता है, तुम्हारी आवाज में बहुत उतार चढ़ाव होने चाहिए, तभी तो ऑडियंस को मजा आएगा। इसमें फीमेल वॉइस हो तो वो रेंज नहीं मिलती। तुम समझ नहीं रही हो, किसी वर्ल्ड कप में कभी फीमेल कमेंटेटर को सुना है तुमने? नहीं सुना। यहाँ मर्दों का ही काम होता है, जेंडर रिजर्वेशन की कोई उम्मीद मत करना। लो इसे ट्राई करो, एंकरिंग की स्क्रिप्ट है। एंकरिंग के बारे में फिर भी सोच सकते हैं। जो लोग एंकरिंग करते हैं वो भी तो ग्राउंड में ही रहते हैं ना। बहुत अच्छा चांस दे रहा हूँ तुम्हें, फिर नहीं मिलेगा। सर आपके लिए एक अच्छा चांस है, लेकिन हम औरतों को ऐसे कई चांसेस मिलते रहते हैं। बचपन से ही हमारी कुछ ख्वाहिशें होती हैं, जो पसंद है उसे पाना चाहते हैं, अपने मुताबिक पढ़ना चाहते हैं, मौके मिलते हैं। उससे अच्छा तो ये है, ये बेटर ऑप्शन है। तुमसे तो नहीं हो पाएगा, कुछ दूसरा ट्राई करो। नहीं सर, ये चांस मुझे नहीं चाहिए। मुझे मेरा चांस चाहिए। इट्स ओके, चलो। ऐसे लूजर्स मेरे ऑफिस में भी हैं। मेरी सोलोमन से भी बात नहीं हो पाई। क्यों गुस्सा कर रही हो? हमने उसे मैटर बता दिया ना। हमने उसे थप्पड़ मारना चाहिए था। क्यों? हम बात करके भी चीजें सुलझा सकते हैं ना, और बहुत से मसले खामोश रहने से भी सुलझ जाते हैं। ये लो, कुछ लोगों के पास दूसरों को तंग करने के बजाय और काम नहीं होते। क्या वो कमीना याद है? कौन? वही जो फुटबॉल फेडरेशन प्रेसिडेंट के साथ खड़ा था। तुमने उसे नहीं देखा जिसने खादी के कपड़े पहने थे? वो बंदा, मुझे वो बार बार मैसेज कर रहा है। कुछ गड़बड़ की? हाँ, परेशान करता रहता है। जब से मैं आई हूँ कह रहा है चलो ना मिलते हैं, मिलकर हल निकालते हैं। उसने मुझे अपने घर भी बुलाया था। वो तुम्हें घर बुला रहा था? कमीना, सोलोमन का कॉल आएगा ना तो मैं उसे बताऊंगी। रहने दो, उसकी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं? सोलोमन ने कहा था ना जयेश को कॉल करने के लिए। जो भी हो, किसी की बेइज्जती करने की भी हद होती है। हम किसी दूसरे इंसान की मदद क्यों ले जब हम खुद ही कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेके फेसबुक पे पोस्ट करें? सही कहा, मैंने भी यही सोचा था, पर अब नहीं। मैं उससे कल मिलने वाली हूँ। उसके फ्लैट में? किस लिए? हाउ टू किल अ किंग, इट्स सिंपल, फाइंड हिज क्वीन। कोई कंगना चले पाए लक्षण लग जाए। मैं जानता था तुम आओगी। आजा। स्प्रे जगुआर का है, बैठो ना, बैठ जाओ। अच्छा पहले जूस लोगी या कुछ और? इस खूबसूरत सिचुएशन में तो ग्रेप्स हनी होना चाहिए। ठनक ठनक, इसे बाद में पियेंगे तो थकान में मिटेगी। बाद में ही पियेंगे, पहले यही बैठता हूँ। सॉरी। फातिमा बीबी, तुम कहाँ की रहने वाली हो? मलप्पुरम। मलप्पुरम।
तुम्हारा भेजा हुआ लिंक देखा मैंने। सच कहूं तो तुम्हें देख के लगता नहीं तुम इतना फूलती होगी। बिल्ली की मासूम बच्ची की तरह हो तुम खामोश। और उसे तो प्यार से गोद में बिठा के सहला के पुच्ची दी जाती है। ओ, म्याऊ। शैतान कहीं के। उस कमीने प्रेसिडेंट से कमेंट्री के बारे में पूछने से कुछ नहीं होगा। स्टार नेटवर्क का शिवा दरअसल वही सब कुछ देखता है। प्रेसिडेंट तो फुद्दू है। शिवा का एक खास आदमी है तो सही, जिसे तुम कन्विंस कर सकती हो। भयंकर सीरियस आदमी है वो, लेकिन वो इतनी आसानी से मानने वाला नहीं है। अगर तुम किसी तरह से उसे मना लो तो समझो गेम की कमेंट्री तुम ही करोगी। कौन है वो? निगाहें घुमाओ। एलपी गोपा कुमार। अंजान बन रही है। मैं जूस लेके आया। हसीनाओं के इस नखरे पर बहुत गुस्सा आता है मुझे। कैसी कमेंट्री करती हो हमें लाइव करके सुनाओ। जिस तरह से मैं तुम्हारा ख्याल रख रहा हूं ना, वैसा ही ख्याल तुम भी रख लो, तब मैं करूंगा फुल सपोर्ट। हाँ? कमेंट्री? कमेंट्री? गोलकीपर को मात देने की सोचकर बॉल को लेकर सारी हदें पार कर फातिमा की तरफ बढ़ते हुए आ रहा है फुटबॉल फेडरेशन का कमीना एलपी गोपा कुमार। उसके सामने ऑपोजिंग टीम ने अपना हुक्म का इक्का निकाला है। वो हुक्म का इक्का है गोपिका विनोदिनी। गोपिका जो सेंट एल्बर्ट्स कॉलेज में पढ़ती है। एक मिनट, ये तो आपकी बेटी है ना गोपन सर? हाँ, फिर ठीक है। बात यह है गोपन सर, गोपिका भले ही सुशील फातिमा की दोस्त नहीं थी, फातिमा ने गोपिका के कुछ दोस्तों के साथ दोस्ती की और अपनी चाल से गोपिका को भी अपना दोस्त बना लिया। वैसे मैं गोपिका को रोज मैसेजेस करती हूँ। तुम्हारे पहले मैसेज से ही मुझे तुम्हारी नीयत पता चल गई थी। मैं समझ गई कि तुम्हारा इरादा गोल करने का है। तुम्हारे चेहरे से ही तुम्हारी बेशर्मी का पता चल गया था। पर चिंता मत कीजिए, पता है अब तक ये मैसेज पेनल्टी की तरह गोपिका के इनबॉक्स तक नहीं पहुँचा है। सर, कैसी लगी मेरी लाइव कमेंट्री? बहुत बढ़िया। अगर मैं कल के मैसेज का एक स्क्रीनशॉट लेकर फेसबुक पर पोस्ट करके आपकी बेटी को टैग कर दूं तो? नहीं। या पर्सनल मैसेज के तौर पर भेज दूं? जरूरत क्या है? हाँ, तो अपनी बेटी की उम्र की लड़की को छेड़कर तुमने फाउल किया है और तुम समझ गए होगे तुमने घटिया करतूत की है। हाँ, मैं समझ गया। मेरी वार्निंग के बावजूद अगर तुमने ये फिर से किया तो रेड कार्ड लेकर सीधे तुम्हारी छाती में घोपूंगी। अब जाने दो ना, छोटी सी भूल हो गई मुझसे। छोटी सी भूल? ये मेरे पास सबूत है। दोबारा ऐसी घटिया हरकत मत करना, ठीक है? गोपिका को मेरी तरफ से हाय कह देना। मैं बोल दूंगा। से बिल्ली समझा था ये तो शेर नहीं निकली। सब ठीक है ना? हाँ। जो मैंने कहा उसकी भड़ास मत निकालना मुझ पर। नहीं नहीं नहीं, पैनिक मत होना, बस सतर्क रहना। सोलोमन। हाउ आर यू चैंपियन? ऑल गुड, हाउ आर यू? सो नाइस टू सी यू। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फातिमा, ये विजय जॉन सर है, आईएफएल की जानी मानी हस्ती। नहीं नहीं, मैं कोई जानी मानी हस्ती नहीं हूँ, बस टीम के साथ रहता हूँ, ट्रांसपोर्ट देखता हूँ, यू नो, खिलाड़ियों का रहना और खाना पीना। चैंपियन, जैसा कि तुमने कहा था, ये ब्रॉडकास्टिंग चैनल्स ही सारे फैसले लेते हैं, है ना? और तुमने बिल्कुल सही नाम लिया है, शिवा। लेकिन अब उसकी एक पर्सनल ट्रेजेडी की वजह से हालत खराब है। 6 महीने पहले उसकी वाइफ की डेथ हो गई और अब वो अपनी बच्ची के साथ अकेले रहता है। एनीवे, आई विल टॉक टू हिम, ओके? थैंक यू सर, मुझे नहीं लगा था कि मैं यहाँ तक पहुँच पाऊंगी। और अब सी फातिमा, तुम अच्छी कमेंट्री करती हो, बहुत अच्छी कमेंट्री करती हो, ओके? लेकिन मुझे नहीं लगता कि आईएफएल में कमेंट्री करने के लिए इतना काफी है। कमेंटेटर बनना और होना दोनों अलग बातें हैं। एनीवे, नेक्स्ट मंडे, मेरा मतलब परसों,
IFL ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की एक मीटिंग होने वाली है और शिवा उस वक्त वहीं होगा, सो मैं उससे बात करता हूँ और तुम भी शिवा से मिलने की कोशिश करो, ओके? थैंक यू सर। कहाँ जाना है? वो अंदर IFL मीटिंग हो रही है ना, मेरी अपॉइंटमेंट है यहाँ। तुम अंदर नहीं जा सकती? उन्होंने सुबह ही बुलाया था। तुम अंदर नहीं जा सकती, अंदर मीटिंग चल रही है। ओ, आप उन्हें इन्फॉर्म कर देंगे? मेरा नाम फातिमा नूरजहाँ है, मैं फुटबॉल कमेंट्री करती हूँ। कमेंट्री? हाँ। फुटबॉल कमेंट्री? देखिए, हमें कुछ कंप्लेंट्स मिली हैं। हम नहीं चाहते कि टूर्नामेंट का नाम खराब हो, इसलिए टेंडर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स जरा सोच के चुनिएगा। यू गेट मी? हेलो सर, एक लड़की आई है, कह रही है कोई बॉम्बे से आया जिससे उसे मिलना है। शिवा और वो कौन है? लड़की है? हाँ। उससे पूछ के पहले नाम बताओ। हाँ। मुझे तुम्हारा नाम क्या है? फातिमा। सर, फातिमा नाम बोल रही है। उसे फौरन मना कर दो, वो पहले ही मेरा बहुत दिमाग खा चुकी है। वो अंदर आई तो मैं तुम्हें टर्मिनेट कर दूंगा, याद रखना। ठीक है। फोन रखो। ये क्या कर रहे हैं आप? सर वो, सॉरी मैडम, कुछ इंटरनल इश्यूज है। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती क्या? चलो जाओ यहाँ से। आपने बात किन से की? क्या काम है तुम्हें? किसी ने यहाँ बुलाया है क्या? चलो निकलो यहाँ से। उन्होंने कहा निकलो यहाँ से, मैं अपना काम कर रहा हूँ, तुम अंदर नहीं जा सकती। जाओ यहाँ से, जाओ। अरे जाओ ना। मेरे यहाँ रुकने से भी आपको इतराज है? तुम्हारी इन हरकतों की वजह से मेरी नौकरी चली जाएगी। प्लीज निकलो, जाओ ना। थैंक्स भैया। चले गए वो। अच्छा हुआ किसी ने तुम्हें देखा नहीं, मेरी नौकरी चली जाती। ऐसा क्यों किया आपने? पता नहीं कहां कहां से मुंह उठा के आ जाते हैं, परेशान करते रहते हैं। मुलाकात नहीं हो पाई। मैंने तुम्हें शिवा के शेड्यूल के बारे में बताया था ना, देखो इस सीजन में तुम उससे नहीं मिल सकती। मुझे लगता है आज या कल उसका पोर्टुगल जाने का प्लान बना हुआ है। ओके? मैचेस की स्ट्रीमिंग के सिलसिले में वहां उसकी मीटिंग होने वाली है। मैं कुछ नहीं कर सकता, हमारे फुटबॉल फेडरेशन का जो प्रेसिडेंट जयेश है, अगर उसकी वजह से तुम्हें दिक्कत है तो पहले उसे सुलझाओ। व्हाट इज दिस चैंपियन? जो कहा था भूलना मत। जब तक ये मैच चलेगा, स्टेडियम के कैटरिंग कॉन्ट्रैक्ट के लिए जब मैंने उससे 40 लाख रुपए मांगे, पहले तो वो बहुत नाराज हुए, पर मैं उस पे अड़ा रहा तो काम हो गया। फिर वो मना भी कैसे करते हैं? सोलोमन, तूने जो किया उसके लिए, समझ गया ना? अगली बार छोड़ूंगा नहीं। आराम से। ये मैं काफी वक्त से सोच रहा था। एक मुलाकात, एक मुक्का लात, सब साफ। किसने बोला है? जानते हो इतिहास में बड़ी बड़ी जंगें आपस में बातचीत करके ही सुलझाई गई हैं। पर तुम्हें हाथापाई ही सूझती है। मुझे जो करना था मैंने कर दिया, और मैं जानता हूँ वो शर्म के मारे किसी को बता भी नहीं पाएगा। मेरे लिए काम करोगी? ये बात हम दोनों के बीच ही रखना। फातिमा, अरे पकड़ो इसे, रख देना। फर्स्ट केरला FC, उसके बाद आई लीग। हम सबको लग रहा था कि उसका IFL में सिलेक्शन हो ही जाएगा, फिर क्या हुआ? फिर उसे ड्रग्स के इल्जाम में पकड़ लिया गया। एंटी ड्रग डिपार्टमेंट ने उसे बैन कर दिया, 1 साल हो गया। हाँ जानती हूँ, न्यूज में काफी पढ़ा था।
पर इस बात को तो अरसा हो गया है, वो फिर से कोशिश कर सकता है। ये कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। जब दुनिया वाले तुम्हें उस गलती की सजा देते हैं जो तुमने की भी ना हो, तो उस सजा की जेल को तोड़ना इतना आसान नहीं होता फातिमा। मतलब? मेरा मतलब, उसे फंसाया गया था, इसमें टीम के डॉक्टर का हाथ था। डॉक्टर ने ये किसी और के लिए किया, उन्होंने कहा जयेश भी इसमें इन्वॉल्व है। वो बीमार था तब डॉक्टर ने जो उसे दवा दी थी उसमें एनाबॉलिक स्टेरॉइड था। इस बात का जब खुलासा हुआ तब डॉक्टर को निकाल दिया गया, लेकिन सोलोमन का बैन हटाया नहीं गया। अब बोर्ड अगले महीने इसका फैसला सुनाएगा और इसने नई मुसीबत खड़ी कर दी। मैंने भी उसे यही कहा था, खामखा उसने आफत मोल ली। इसमें उसकी भी कोई गलती नहीं है, वो खुद डिप्रेशन की ट्रीटमेंट ले रहा है। लेट इट बी। चार दिनों के लिए घर जा रही हो तो प्लान्स क्या है? मलप्पुरम फुटबॉल फेडरेशन के साथ एक डील की है, इंटर डिस्ट्रिक्ट स्कूल टूर्नामेंट है, बस बकबक करनी है। ओ, तो तुम पैसे छापने वाली हो। मेरे गांव में होने वाले फुटबॉल मैच का मजा ही कुछ और है। माँ, हो गया। अरे पेट भर के खिलाओ उसे। क्या बात है फातिमा, वहाँ खाना नहीं मिलता था क्या? ये माँ के हाथों का बना हुआ खाना है। रहने दे, बस बस मस्का मत लगा, चुपचाप खाना खा ले। थोड़ा और ले। जल्दी करो फातिमा नूरजहान, गाड़ी तैयार है, इंतजार कर रही है। इसे शांति से खाना तो दे। खाने दो। किसके लिए गाड़ी तैयार है, कौन जा रहा है? आज ISTA का फाइनल जोन है, तो ये वहाँ कमेंट्री करने वाली है, फेडरेशन ने इनवाइट किया है। सुनिए पापा, फेडरेशन वाले अहमद अंकल, वो आपके दोस्त है ना? ये दोनों मामर में साथ में खेला करते थे। हाँ, पता है, तूफानी मुनीर। अरे वो जमाना ही अलग था, कन्नूर से त्रिवेंद्रम जाना किसी एडवेंचर से कम नहीं था। मैं तो इन टीम्स के साथ कई बार गया हूँ, सिर्फ अहमद में ही वो जुनून बाकी है, उसी के अंदर इतनी कुवत है। अरे हम में भी है, आप हमारे साथ आइए। आपने मेरी कमेंट्री नहीं सुनी है ना, आपको मजा आएगा, अहमद अंकल से तारीफ कीजिएगा। नहीं बेटा, मैं नहीं जा पाऊंगा। वैसे तुम लोग कब निकल रहे हो? बस थोड़ी देर में, जल्दी कपड़े बदल लीजिए, चलिए। चलिए ना पापा, बहुत मजा आएगा, है ना? अच्छा मैं भी चलूं क्या? ये कैसी कमेंट्री करती है, मुझे भी सुनना है। प्लीज पापा। जाना मुनीर। अरे वाह, बकबक की फोटो का होर्डिंग भी लगा यहाँ। अरे जयन, अहमद चाचा कहाँ हैं? परसों उन्होंने मुझे इनवाइट किया था और आज वही फोन नहीं उठा रहे हैं, लगता है बहुत बिजी हैं। अहमद अंकल अंदर ही हैं, लेकिन तुम मत जाओ। पर क्यों? कुछ नहीं, तुम बस कमेंट्री मत करना, किसी और दिन कर लेना, पर आज नहीं। ये क्या बात हुई, मैं उन्हीं की इनविटेशन पर तो यहाँ आई हूँ, क्या हुआ, कोई और कर रहा है? नहीं, कोई नहीं कर रहा है, लेकिन आज तुम नहीं कर सकती। क्या बात है जयन, प्रॉब्लम क्या है? एक मैटर हो गया है यार आजी, तू एक काम कर, किसे घर लेके जा। क्या हुआ जयन? मैं देखती हूँ, अहमद चाचा से मिले बिना मैं नहीं जाऊंगी, आ जाइए पापा। पातो, बात क्या है? उसे बोलना, अंदर ना जाए। तुम यहाँ? अच्छा तो ये बात है, इसीलिए मैं कमेंट्री नहीं कर रही हूँ, आपने मुझे यहाँ बुलाया था ना, क्या हुआ? अब क्या, अब यहाँ से चली जाओ, कमेंट्री छोड़ो, स्टेडियम के अंदर भी नहीं जा पाओगी, यही नहीं फेडरेशन के किसी भी स्टेडियम में तुम कदम नहीं रखोगी। ये सब बोलने वाला ये कौन होता अंकल, इसकी प्रॉब्लम क्या है? इससे पूछ के देखो जरा, ये खुद बताएगी प्रॉब्लम क्या है। फेडरेशन का प्रेसिडेंट होने के नाते इनको हक है कि किसी को भी यहाँ आने से रोक सके। सर इसमें हर्जी क्या है, ये तो सिर्फ मैच देखने आए हैं। अपनी ये बेतुकी बातें बंद करो, आपको यहाँ फंड चाहिए या इसकी कमेंट्री, अभी फैसला करो। रहने दीजिए चाचा, मेरे लिए आप इनके आगे हाथ मत जोड़िए, ये लोग सांप हैं सांप। देखिए सर, आप मुझे हर जगह नहीं रोक सकते, मैं अपना रास्ता ढूंढ लूंगी। पातू चुप रहो, तुम चाहे जो भी कर लो, ये बात अच्छे से याद रखना, तुम्हारी आवाज में कमेंट्री किसी भी स्टेडियम में नहीं होगी। और वो तुम्हारा खैर ख्वाह सोलोमन, उसे तो मैं अच्छे से देख लूंगा। चलो प्रेसिडेंट साहब। पातू को क्या हो गया मुनीर, ये लोग मामूली लोग नहीं हैं, एक नंबर के बदमाश हैं। हम लोग इनके साथ नहीं उलझ सकते, ये लोग हमारी पहुंच से ऊपर हैं। पापा, हजार
बार कहा है तुमसे, अपनी हद में रहा करो, लेकिन तुम्हें सुनना ही नहीं है। ऐसे लोगों से उलझना ठीक नहीं होता। ये सब क्या तमाशा है पाथू? ये हमारे लो बजट टूर्नामेंट्स की तरह बिल्कुल नहीं है। अरे बड़े लोग हैं यार वो, तुम उनके साथ बहस नहीं कर सकती। अब हमें बताओ वहां पर हुआ क्या था? मुंह में जबान नहीं है क्या? मैं उनके पास आईएफएल के कमेंट्री के लिए गई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि ये औरत के बस की बात नहीं है, मुझे बेइज्जत किया। मैंने भी ठीक वही किया। कहां कमेंट्री करनी है तुमको? आईएफएल में? पागल हो गई हो क्या? वहां कमेंट्री करना मजाक नहीं है। मैंने तुम्हें बार बार समझाया है, तुम्हारा बाप और तुम्हारा भाई एक मामूली मैकेनिक है, कोई औकात नहीं है हमारी। ये सब तेरी वजह से हुआ है। इसे जो बकबक करने की आदत थी उसे तूने खूबी बता दिया, और ये खुद को तीस मार खा समझने लगी। देखो उनसे बहस करके हम कहीं भी नहीं पहुंच सकते पाथो, वो सब हमारी पहुंच से बहुत दूर है। वो पॉलिटिक्स में है, बिजनेस में है। बात को समझने की कोशिश करो तुम। और कितनी कमेंट्री करनी है तुझे? टीवी देखती है तो कमेंट्री करती है, फोन पर दोस्तों से बात हो तो कमेंट्री चालू रहती है तुम्हारी, घर में मेहमान आए तो कमेंट्री चालू रहती है, उन्हें बोलने तक नहीं देती तू। टूर्नामेंट में तो तरह तरह के खिलाड़ी खेलते हैं, तुम्हें क्या लगता है उनका नाम ले लेकर तुम बहुत बड़ी टॉप बन जाओगी? एक बार मेरी कमेंट्री सुन लीजिए ना पापा। बकवास बंद करो, एक लफ्ज जबान से नहीं निकलना चाहिए। भाड़ में गई फुटबॉल और तुम्हारी कमेंट्री। मुझ में ये सब कहां से आया होगा? अरिकोडे मैदान में जिसमें उन्होंने हार पाई थी, उसी मैदान पर मल्लपुरम मॉर्निंग स्टार टीम ने फिर से कदम रखे हैं। 17वें मिनट पर सैंडी मोइदीन रिंगो स्टार के गोलकीपर, गोल पोस्ट से उसने बॉल को किक मारी और एक पैर ने उसे आकर रोक लिया। इस तरह मॉर्निंग स्टार की एक शानदार शुरुआत हुई। चालिया रिवर में गोते लगाते हुए उसने 3 डिफेंडर्स को पीछे छोड़ दिया है और 50 फीट से गोल किया है। उस सेंट्रल फॉरवर्ड प्लेयर के गोल अभी उसी के नाम है। पतला तूफान, तूफानी मुनीर जर्सी नंबर 6 वाला, इस तरह इतिहास में अपना नाम दर्ज किया। प्लीज एक बार मेरा साथ दीजिए पापा। फातिमा, सॉरी थोड़ा लेट हो गया। सुनो, चेहरे की उदासी हटाओ और मुंह पे लगा ताला खोलो, हम एक जरूरी काम के लिए जा रहे हैं। क्यों, क्या हुआ? कुछ है तुम्हारे लिए, एक सरप्राइज। बताओ ना हुआ क्या है। हाँ हाँ बताऊंगी। और शिवा का फेसबुक और इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखा? मैंने तुम्हें लिंक व्हाट्सएप की है। सच में? कहाँ से मिला? किसी ने मुझे भेजी थी। मैं उसे अपना कमेंट्री वीडियो भेजूं? चलो जाकर उनसे मिलते हैं। अरे यार ये गधा भी यहीं पर है। रम्या। फातिमा। हाय प्रशांत, बैठ जाइए। देखिए आपकी कमेंट्री कमाल की थी, राम्या ने मुझे लिंक भेजी थी। ये है प्रशांत, स्पोर्ट्स रिपोर्टर, और ये एलेक्स कोरिन, क्राइम रिपोर्टर है। मुझे शिवा का इंस्टा आईडी प्रशांत ने भेजा था। थैंक्स। चलिए बाहर बैठते हैं। देखिए ये शिवा जो है आईएफएल का डेप्यूटी ब्रॉडकास्ट डायरेक्टर है, जिसका मतलब गेम के लाइव टेलीकास्ट से लेके हर चीज वो ही देखता है। और जैसा कि इसने कहा, मेरे ख्याल से सैजू दामोदरन जैसे एक्सपीरियंस कमेंटेटर को हायर करने के अलावा आज तक फ्रेशर्स के लिए कोई भी ऑडिशन या इंटरव्यू हुआ नहीं है। मैंने शिवा से मिलने की कोशिश की पर कुछ हुआ नहीं, सैजू सर उससे मुझे नहीं मिला पाए। मैंने सुना है वो काम के मामले में बड़े पर्टिकुलर है, आसानी से नहीं मिले। सोलोमन के कहने पर एक प्रोग्राम में गई थी कमेंट्री करने के लिए। सोलोमन? सोलोमन मार्गरेट, फुटबॉल वाला बंदा, उनकी एकेडमी में काम करती हूँ। उनकी वजह से मैं केरला स्कूल लीग फॉर कमेंट्री में गई थी, लेकिन फेडरेशन के बंदों ने अपनी औकात दिखा दी। लड़कियाँ कमेंट्री नहीं कर सकती, आवाज में गहराई होनी चाहिए। मैं इस काम के लिए नहीं बनी, तुम्हें एक बड़ा मौका देंगे, इसलिए मैं चली आई। कौन, वो जयेश था क्या? हाँ,
वही जयेश और एलपी गोपा कुमार भी। उफ, वो तो घटिया इंसान है, नंबर तो नहीं दिया ना? वो सब हो गया है, नंबर लिया, हेयर डाई करके मुझे फोटोज भेजे, उसकी बेटी मेरी दोस्त बताते ही पीछे हट गया। उसको अपने कर्मों की सजा मिल गई है। जयेश का एक एक्सीडेंट हुआ था, जब कल मैंने उसे देखा तो उसकी शक्ल गुब्बारे की तरह फुली हुई थी। एक्सीडेंट एक्सीडेंट नहीं था, वो सोलोमन का काम था। देखा, स्टेडियम के सिक्योरिटी गार्ड ने बताया था ना, उसकी शक्ल से ही पता चलता उसने बहुत मार खाया था। मैंने कहा था ना तुमसे। वैसे ये कब हुआ? मुझे नहीं पता ये सब हुआ, मैंने तो बस अंदाजा लगाया था। ओके। जैसे तैसे उसका एकेडमी के ट्रेनर के साथ हुआ लफड़ा ठंडा हो रहा था, अब नया लफड़ा शुरू हो गया। उसके अपील का नतीजा अगले हफ्ते आने ही वाला है। मैं चलता हूँ। See you tomorrow. चल भाई। हाँ। आजा। हाँ। Bye. See you. वो गधे के सामने तुमने सोलोमन का नाम क्यों लिया? प्रॉब्लम होगी वो नहीं बता सकती, पर एक नंबर का लफंगा है, खुद ही बहन के बॉयफ्रेंड के बाइक में गांजा डालकर पुलिस से पकड़वाया और न्यूज़पेपर में न्यूज भी छपवा दी। अब मैं क्या करूं? चलो देखते हैं, लेट्स गो। कितना बेहुदा है ये, न्यूज़पेपर में सोलोमन की न्यूज आई है। कल प्रशांत ने और मैंने उसे कितना समझाया, जरा भी फर्क नहीं पड़ा, इंसानियत ही नहीं है उसमें। गधा कहीं का यार, सब मेरी गलती है, मेरी वाहियात जुबान। ब्रेकिंग न्यूज, केरला फुटबॉल प्लेयर सोलोमन को एक और साल के लिए बैन कर दिया गया है। उन पर ये कार्रवाई की गई क्योंकि उन्होंने फेडरेशन प्रेसिडेंट पर हाथ उठाया था। इसके बारे में और जानकारी देने आ रही है हमारी संवाददाता मारिया। मारिया बताइए क्या हुआ था? ये बैन एक साल के लिए बढ़ा दिया।